लिखी ना प्लान कमेंट बॉक्स में, मैं बुलाओ तू बने हां कर, तो मैं नहीं पहुंची तो इन पर यहां ही बंदा दे आवे ना इन आवर से नहीं रे यूट्यूबर जो लो ना भाई सिंपल नहीं जा पाया मैं वहां इले कर हाइपर चला चालू देखे हम हाइपर दी आवे हम आ ऊपर ला भाई केनो करू इतना स्टैंड नहीं देखा तो ने इतना तो स्टैंड नहीं था तुम्हारे टूट गई लो से क्या बोलते हैं देखो भाई अपने एक ने 30 रखा था 1,30,00,000 55 लाख रुपए रखा था फोन आज बड़ी मैं तो नहीं हेलो कैंसिल थे लीजिए भाई हेलो टीम कैंसिल आने आने आना पति जी मैं तो देने एक कैंसिल थे लीजिए एक प्लेयर में प्रॉब्लम थे किसी किसी जवान को जगह है कौन कौन कैंसिल थे कैंसिल जाना रेडर्स में कहना पति सोफिया ने हमारी हाँ तब बात करी तो अगर फटाफट जाए ना तुम्हारी टीम ने कह दो पन कह दो एक मैनेजर क्या कॉमेंट्री मच आई थिंक जीरो प्लस मैंने सिटिल करने बताओ एक मिनट पहला बॉल जाय पटेल जाय पठान बॉलिंग में एक रन नहीं नहीं माफी चाहेंगे कोई रन नहीं कोई रन नहीं खाना खा के इसके लिए सही होगा तुम्हारा माफी चाहेंगे कोई रन नहीं ला बुआ बुना करता हूँ भाई ने नोनी ठीक है आप मोइट खपाई जैसे पठान की अगली गेंद और ये बेट होते हुए बाई के रूप में एक रन ला तू करे कि नहीं ला कोई सेले करना नहीं कोई भी ला हाँ स्ट्राइक पर ही दूसरे पास ही होकर आने से पास हो तब ला भाई ने कर जवाना देवाना होता है स्ट्राइक पर आ गए थे ना सलमान आज स्ट्राइक बदलेगी और बहुत अच्छी गेंद डिक्लेयर में सिलेक्ट कर देंगे और की मन सर हां यार डॉट बॉल ना हां डॉट और ये पहली की तरफ बैट्समैन ने बॉल को घुमाया एक रन बेस्ट में नहीं तो क्लिक कर दिया उसे नीचे से लगलो आ गए डिक्लेयर रन या शॉट रन लगलो आ गए थे अब ये किल स्ट्राइक पर है वो नहीं राइट बे किल स्ट्राइक लेते हुए अखिल दीवान अगली गेंद जाय पठान ये बोल्ड होते हुए किल जाय पठान ने बोल्ड किया उनको जावेद को मिलने वाली पहली सफलता जावेद पठान को मिलने वाली पहली सफलता नाखुश अकील अपने शॉट से जो रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे नाकामयाब हुए और सीधे बॉल होकर पवेलियन की तरफ अपना भाई ने वोटी करना हो ना मधु करारी धूप में यहाँ प्लेयर कप्तान खुद बल्लेबाजी के लिए आते हुए सहबाज बंजारा खुद कप्तान बैटिंग के लिए आते हुए वैसे वो जोली की तरफ से खेलते हैं आम दिनों में जोली की तरफ से खेलते हैं बॉल को चेक करते हुए कप्तान वीरेंद्र सहवाग अच्छा फोन है मैं कही तो फोन क्या कर खबर पहले आज नबिता भी रही है ना नबिता भी राजा कहीं भैया सुहेल आना पड़े कोई मैसेज जुड़ा आना पड़े नए पहले नबिता भी राजा ना गरा गरा चले अच्छे गेंदबाजी कप्तान जाय पठान के द्वारा अब सामने बल्लेबाजी के लिए आए हैं वीरेंद्र सहवाग नाइट हैदर के कप्तान तबस्सुम पार्क की आन बान शान और
एक ही ऐसे खिलाड़ी है बंजारा पूरे खेमे में और उनके पूरे परिवारों में, जो एक क्रिकेट के लिए उभरता सितारा। क्यों थे अनवधि? सोफिया ने अजले रोके। आने वाला मुकाबला सोफिया इलेवन और अजलेर कंस्ट्रक्शन, खुबे भाई की टीम और अजमेरी बाबा की टीम आमने सामने। दो रन एक ओवर की समाप्ति के बाद, दो रन एक विकेट के नुकसान पर। दोनों ही तगड़े बल्लेबाज और टनल द नाइट अदर की आप पिलर कह सकते हैं, बैकबोन कह सकते हैं, दोनों ही अनुभव में कोई कमी नहीं और तगड़े बल्लेबाज। गेंदबाज तैयार, पहली गेंद लेकर उठाकर खेला है, खिलाड़ी मौजूद, मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात। हेलो, यलगार फाइटर के खिलाड़ी ने जो स्कोरिंग किया था पिछले मैच में, वो कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। यलगार टीम के खिलाड़ी ने जो स्कोरिंग किया था कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए और सोहेल से मिल ले। गेंदबाजी के लिए तैयार, फिर से उठाकर खेला है, पीछे खिलाड़ी तैनात, लॉन्ग ऑन पर कप्तान खुद, एक रन से नहीं रोक पाएंगे, मगर स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन एक विकेट के नुकसान पर। शकील और शहबाज, इश्तियाक जल्द से जल्द खाना खा के आ जाए। उठाकर खेला है, गेंद हवा में और दूरी काफी, 6 रनों के लिए। सहबाज के बल्ले से लगता हुआ पहला छक्का और तांदरजन नाइट राइडर्स की इनिंग का भी ये पहला छक्का, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। एक और खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने आकर फील किया मगर एक रन से नहीं रोक पाए, स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। सारी जिम्मेदारी देखी जाए टांजा नाइट राइडर्स की तो ये दोनों बल्लेबाजों पर, मुझे बिल्कुल पड़े ना। शकील ने उठाकर खेला है, गेंद सी मार रखा के बाहर, 6 रनों के लिए। उम्दा शॉट, स्कोर बढ़ता हुआ 16। खराब गेंद का पूरा फायदा उठाएंगे बर्तन। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को मिड ऑफ पे लाया गया है। गेंदबाजी के लिए तैयार, फिर से शकील पटेल को और हल्की नीचे की तरफ रही गई सीधे विकेट कीपर सोहेल के दस्तानों में। समाप्ति के बाद 16 रन एक विकेट के नुकसान पर तांदल नाइट राइडर्स। गेंदबाजी के लिए युवा प्रतिभाशाली फरदीन को लाया गया है और पावर प्ले समाप्त हो चुका है। Thank you.
फरदीन पहली बार इस मैच में गेंदबाजी करेंगे शहबाज बंजारा को। और गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में रिवर्सिव खेला है, अच्छी फील्डिंग, दो रन मिल सकते हैं, रनआउट का मौका नहीं, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के बीच। शहबाज बंजारा और शकील पटेल मंझे हुए खिलाड़ी, पहले ही गेंद पर रिवर्सिव खेलना चाहते थे, जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तेरी क्यों कर रहे हैं, देखना होगा। फरदीन तैयार, शहबाज बंजारा को हल्के हाथों से खेला, खिलाड़ी मौजूद, सटीक थ्रू, मगर तब तक शहबाज लंबे करके सुरक्षित पहुंच चुके थे। स्कोर बढ़ता हुआ 19, फरदीन तैयार फिर से, अब शकील पटेल को उठाकर खेला अगेन, और ये डेड बॉल, माफी चाहेंगे, बहुत लंबा छक्का हो सकता था, शकील दारी को भी किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसी तरह से शकील पटेल को भी साथ नहीं दिया, शकील नाम में आज प्रॉब्लम सुबह से, 6 रन हो सकते थे निहायत निश्चित रूप से, मगर हाई टेंशन को जाके टकराई। सोहेल का तीन रिस्क करने का, तो बैठ के कर डाल ले, एडिट हो जाएगा वो, हो जाएगा। हाँ तो ध्यान से एक बार यूट्यूब पे देख ले। बट क्यों भी गेंद इस बार फिर से गति में परिवर्तन, एक रन से नहीं रोक पाएंगे, एक रन बताओ क्या है, बोले जो खाली जीरो नटाई लेने का पड़ी तू भी ना ही पड़ से। अब समर का आगाज होता हुआ धूप मैदान में खिली हुई है, मगर क्रिकेट के चाहने वालों की कोई कमी नहीं, कोई रिक्शा में बैठा हुआ है, कोई बाइक पर, कोई खड़े होकर मैच दिख रहा है, कोई बैठकर, कोई छांव में। और फिर से हल्के हाथों से खेला फरदीन, खुद फील करेंगे फॉलो थ्रू में, अच्छी गेंदबाजी फरदीन के द्वारा, फरदीन तैयार, वीरेंद्र शहबाज को अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, खूबसूरत, तारीफ करनी होगी, अच्छी वापसी फरदीन के द्वारा, पिछले मैच में काफी रन इन्होंने खर्च किए थे, मगर इस बार सूझबूझ के साथ सीख के आए हैं। और रिवर्स स्वीप फिर से, मगर अच्छी गेंदबाजी, ओवर की हुई समाप्ति, मौका भी हल्का सा था, गवाया, अजान हो रही है, माफी चाहेंगे बाद में बोलेंगे। अहमद किधर बैटिंग में आया था ना, वो तो उसमें से हो जाएगा ना, अगर होता है तो कर डाल। अहमद की बैटिंग जब आई तो वो उसी जगह पे सोहेल पैप का नाम करने का है। जैसे पहुंच पाएगा सुखराम चार, सलमान नाराज ना खुश, फरदीन अभी सीख रहे हैं, बच्चे हैं, सलमान मीर वीरेंद्र शहबाज को, बाय ना लगे, एक रन कर ना बाय करिए, ना एक जीरो कहीं बाय कर, एक रन कोई भी डरते ना, पासर करने कीपर नहीं पासर, तो
कौन बोल क्या नहीं तो और एक मिनट कितने अंपायर का रुका बोले जाओ अंपायर कितने बॉल हुए पूछो अंपायर बॉल और ये कैच आउट दूसरी विकेट चंदल जा नाइट राइडर्स की फिर डॉट बॉल ना सलमान के विकेट सलमान ज्यादा तो नहीं और कैच भी सलमान ने किया है लेफ्ट हैंड बैट्समैन शाहिद के रूप में साइड विक्टोरी ले भाई को उन्होंने वो कर दिया नहीं हुआ तो मैं कर दूँ नहीं नहीं होता सर मेरे से होएगा मैं एडमिन हूँ मैं मेरा फोन चार्ज में बहुत ही अच्छी गेंद एक रन बाई के रूप में शाही घुमाना चाहते थे लेग साइड की ओर मिस हुए फिर एक बार सलमान बॉलिंग अपने अगली गेंद के लिए फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए कप्तान जावेद पठान और ये शॉर्ट पिच बॉल थी काफी इंतजार किया शकील ने और 6 रन के लिए इनका सबसे लंबा छक्का बहुत लंबा छक्का लगाया शकील ने स्क्वायर लेग की तरफ ऊपर नाम दे दी करेगा नाम की जगह नाम चेंज कर दो तो भी हो जाएगा नहीं भी हो जाता है मैंने देखा अभी ऊपर नाम रीड करो अहमद लिखा हुआ आता था यहाँ वही तो प्रॉब्लम काफी शॉर्ट बॉल था शकील ने पुल किया और 6 रन के लिए हो जाता है चेंज देख आदि लाइन फिर अगली गेंद सलमान शकील तैयार और ये मिड ऑन में जाहिद पठान खुद कप्तान फील्डिंग की एक रन मुझे लगता है सोएब की जगह पे आया था ना वो बस सोएब बाद में खेलने तो आया था ओवर की समाप्ति चल अभी इस बार में करते हैं उसको चेंज उसको उनको पूछ के करना पड़ेगा ओवर की समाप्ति तीन ओवर करता था चार ओवर 30 रन चार ओवर 30 रन अगर ये मैच जीतना है तो आपको करीबन 90-100 के स्कोर की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं उनके अंदर ज्वाली के अंदर जो जावेद पठान बहुत सारे बैट्समैन हैं इनके अंदर काफी अच्छे बैट्समैन हैं और ये जावेद पठान खुद बॉलिंग लेके अपनी अगली गेंद और ये शकील ने मिड विकेट की तरफ एक रन सही तरह से टाइमिंग नहीं कर पाए जावेद पठान
एक रन है वो बराबर। अगली मैच सोफिया 11 वर्सेस अजलेयर कंस्ट्रक्शन। अगली मैच सोफिया 11 और अजलेयर कंस्ट्रक्शन की सामने होगा और ये काफी ऑफसाइड के बाहर, कीपर भी मिस कर गए हैं और भाई के रूप में एक रन, वाइड बॉल, दो रन आए टोटल। जाहिद पठान अपनी अगली गेंद साहिद को और ये चार रन, फोर मोर, चार रन के लिए बहुत अच्छा शॉट, फेयर ड्राइव। काफी बढ़िया शॉट लगाया साहिद ने अपनी टीम के लिए। डेनियल विक्टोरी कहे जाते हैं, कहलाए जाते हैं, डेनियल विक्टोरी कहे जाते हैं, उनका पेट नेम डेनियल विक्टोरी कहा गया है और ये मिस कर रहे। जाहिद पठान ने बॉल को घुमाया था, समझ नहीं पाए। डॉट बॉल और फिर एक मरतबा अगली गेंद जाहिद पठान और साहिद को, बहुत ही अच्छा शॉट और ये चार रन के लिए, मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में शॉट लगाया साहिद ने। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, काफी अच्छा टाइमिंग करते हैं शॉट को। बॉल इतना खराब नहीं था लेकिन शॉट इतना बढ़िया था, लोग देखते रह गए। जाहिद पठान अपनी अगली गेंद साहिद को, साहिद तैयार और ये बहुत अच्छी गेंद और एक रन को नहीं बचा पाए। वाहिद पाने ले बेटा, चला भाई नाल दे, आप बैट्समैन ने जोइए से शकील। फील्डिंग में तब्दीली, बाजी को मिड विकेट की तरफ, मिड विकेट धकेला गया है, धकेला गया है, पीछे लिया है मिड विकेट, डीप मिड विकेट की तरफ। और एक बार फिर जाहिद पठान शकील को और शकील ने बहुत बढ़िया बैट्समैन किया, एक रन मिड ऑन की तरफ, सम्मान किया बॉल का। पांच ओवर की समाप्ति ऊपर 43 रन। हल्का सा ड्रिंक्स ब्रेक गर्मी की वजह से, बीच में हल्का सा एक ड्रिंक्स ब्रेक आया है, गर्मी बहुत, गर्मी की शिद्दत काफी, सूरज की तपीस यहाँ देखी जा सकती है, आप ऑडियंस भी पसीने से परेशान। सलमान मीर सभी ऑडियंस छांव ढूंढते हुए और फिर एक बार सलमान अपनी बॉलिंग पर, अगली गेंद शकील को और ये फुल टॉस देखेंगे। काफी बढ़िया फील्डिंग, जो चार रन तब्दील होना चाहिए था लेकिन एक रन में उन्होंने ये कर दिया, समेट लिया कैश पटेल ने, बहुत अच्छी फील्डिंग। सलमान फिर एक बार दबा अपनी अगली गेंद साहिद विक्टोर, साहिद को, साहिद लेफ्ट हैंड बैट्समैन काफी अच्छा बैटिंग का नजारा करते हुए। सलमान अपनी अगली गेंद साहिद को और फुल टॉस, काफी बाहर वाइड,
करार दिया अंपायर ने और ये रन की फिर टीम के अंदर बढ़ोतरी अपनी टीम के लिए। सलमान की अगली गेंद साहिब तैयार, सलमान रनिंग लेते हुए और ये बहुत ही अच्छी गेंद थी और काफी वाइड अंपायर का इशारा। नाराज विकेटकीपर सुहेल, विकेटकीपर थोड़े नाराज होते हुए सलमान से कि भाई सलमान की अगली गेंद रनिंग करते हुए और ये अगली गेंद सलमान की और साहिब को मिस कर गए हैं। बाल बाल बचे, बीट होते हुए साहिब इस बॉल पर कीपर गर्मी से परेशान है। सलमान फिर तैयार रनिंग के लिए अपनी अगली गेंद और वाइट का इशारा अंपायर का, काफी बाहर सलमान का ये तीसरा वाइट इस ओवर में। ठंडी हवाएं भी आ रही हैं, तपीस भी ज्यादा है। सलमान फिर अपनी अगली गेंद तैयार, साहिद फुल टॉस गेंद बनाई थी, देखना होगा क्या अंजाम होता है। ये कैच मिस हुआ, बाजी बाहर उठली, नेक सब्जी लिया आपकी फुल और ये काफी अच्छी फील्डिंग बाजी की तरफ से। वहाँ पर वाहिद ये कहते दिल्ली में आई जाए फटाफट, अच्छी फील्डिंग की बाजी रही, बाहर उठली, बाहर उठली और एक एक सब्जी पहले अंपायर ने खा, हां ने दो रन मिले यहां पर, मैं थोड़ा थोड़ी दे दे नाला और सलमान की अगली गेंद साहिब को और साहिब तैयार लेफ्ट हैंड बैट्समैन और ये फुल टॉस थी। शायद बॉल मुझे लगता है कि फट चुका है, देख ले अंपायर। बॉल भाई कैसा है और ये 6 रन लिया होकर प्रॉन लिया हो, 6 रन टॉस बॉल था सलमान का और साहिद 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया उसको। फिर सलमान की अगली गए साहिद फिर तैयार बॉल को पकड़ नहीं पाए और एक रन। शकील गर्मी लगती हुई शकील को, शकील अपने बैट्समैन को प्रोत्साहित करते हुए दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन साहिद ने मना कर दिया। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली करते हुए कप्तान सलमान की अगली गेंद शकील को जो राइट हैंड बैट्समैन है सलमान अब तक 8 बॉल डाल चुके हैं जिसमें 3 वाइट। कंट्रोल करना होगा बॉलिंग के अंदर और ये अपनी अगली गेंद और ये बोल्ड करते हुए बहुत बड़ी विकेट ली है सलमान ने शकील के रूप में। 56 रन 56 रन 3 विकेट। आखिरी 2 ओवर में कितने रन होते हैं देखते हैं तांदल जन नाइट राइडर्स क्या कर पाता है 2 ओवर के अंदर।
वहां बाहुफ बल्लेबाज साहिद लेफ्ट हैंड बैट्समैन खड़े हैं, उनसे कुछ तमन्नाएं उम्मीदें होंगी अपनी टीम को। तौसीफ आने वाले बल्लेबाज नए रूप में तौसीफ 56 6 ओवर 6 ओवर 56 रन 56। अगर तांदलजा नाइट राइडर्स को इस मैच में रहना है तो करीबन 90 से 100 रन चाहिए। बॉलर के नए बोल के रूप वासिल और बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था लेकिन मुश्किल था, हाथ डाला लेकिन नहीं कर पाए कैच, एक रन के लिए एक रन नहीं बचा पाए। साहिल की अगली गेंद 57 बैट्समैन तौसीफ बॉलर वासिल वासिल की अगली गेंद वासिल की अगली गेंद तौसीफ को राइट हैंड बैट्समैन है, देखते हैं क्या कर पाते हैं ये अभी। और ये काफी शॉर्ट बॉल था, कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ भेज दिया 4 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया, दोनों प्लेयरों के बीच में से बॉल को निकाला और 4 रन। चाचा जी ना कौन है ना वासिल की अगली गेंद तौसीफ को और काफी ऊपर थी, देखा स्ट्रेट ड्राइव एक रन, वहां जाहिद पठान फील्डिंग में खड़े हुए हैं। अच्छी गेंद और सम्मान किया एक रन, वासिल की अगली गेंद लेफ्ट हैंड बैट्समैन साहिद, देखते हैं क्या कर पाते हैं उसको। और ये हवा में गेंद और बाजी ने उस कैच को पकड़ लिया, साहिद आउट होकर पैवेलियन की तरफ। वासिल की ये पहली विकेट है, लाओ के बिरयानी मंगा ली करा बंपर में हां ला ला 15 मिनट रख दिया ना बेटी हमें 3 मिनट दे वाहिद कितनी बार में आवे थे पता ही नहीं है ना वाह खिलाओ ना अपने कोई बच्चा है खाली टाइम टाइम की लिमिट में आ गया बड़ा भाई ब्रेक पा दिए ने नए बैट्समैन के रूप में लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में एक रन। ये मैच के बाद 25 में 20 मिनट का ब्रेक रहेगा इस मैच के बाद 20-25 मिनट का ब्रेक रहेगा लंच टाइम रहेगा भाई, हमारे अंपायर भी इंसान है, अंपायर भी नहीं करेंगे नहीं करेंगे। वासी क्या कहिए और बहुत ही बढ़िया शॉट देखना है, और ये 6 रन के लिए काफी अच्छा ट्राई था फील्डर का, हाइट कम फाइट ज्यादा
हाइट और फाइट ज्यादा थी, हाइट कम मिली। छह रन के लिए तौसीफ उर्फे चाचा का 69। और ये प्रैक्टिस में भी काफी छक्के लगाते हैं यहाँ पर। 69 रन। बॉलर के रूप में फरदीन, राइट हैंड बैट्समैन इस्माइल तैयार। अगली गेंद फरदीन और काफी बाहर, वाइट के रूप में अंपायर का इशारा। एक रन में इजाफा, रन हो चुके हैं अभी। फरदीन अगली गेंद स्पाइल गौर, ये बहुत अच्छी गेंद थी, अच्छी विकेट कीपिंग, अच्छी कीपिंग की यहां सोहेल ने, स्टंपिंग किया लेकिन अंपायर ने उसको नकार दिया। फरदीन की अगली गेंद इस्माइल को और अच्छा शॉट यहां पर, एक रन मिडॉन की तरफ। तौसीफ फरदीन का सामना करेंगे, बहुत अच्छे छक्के लगाते हैं ये, देखना है यहां क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। और ये काफी लंबा छक्का शायद हो सकता है आज की मैच का सबसे लंबा, और ये सबसे लंबा छक्का, मैंने आपको अभी अभी कहा था कि ये बहुत लंबे छक्के लगाने में माहिर है। कौन है ये? प्रैक्टिस में भी यही काम करते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं तौसीफ। बहुत अच्छा शॉट, स्क्वायर लेग की तरफ छक्का लगाया उन्होंने। फरदीन की अगली गेंद, तौसीफ एक बार फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए तैयार। फरदीन और ये शॉर्ट पिच बॉल थी, व्हाट अ शॉट यार, और ये शायद चार रन, बहुत ही अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से निकाला उन्होंने। अहमद के बाद तौसीफ चाचा अपना जलवा दिखाते हुए और दिखाते हुए किस तरह की प्रतिभा इन दोनों खिलाड़ियों में है, जो हम चाहते थे इसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए। पांच गेंदों में 21 रन बना चुके हैं और वाइट 18 रन के रूप में रन मिलेगा। रन लेना चाहते थे इस्माइल मगर मना कर दिया तौसीफ ने। आखिरी दो गेंदे फरदीन तौसीफ चाचा को, उठाकर खेलना चाहते थे, अच्छी गेंदबाजी, दोनों ही युवा, गेंदबाज भी युवा और तौसीफ। अब आखिरी गेंद पहले इनिंग की, अच्छा स्कोर कह सकते हैं, देखना होगा आखिरी बल में क्या होता। आखिरी गेंद फरदीन उठाकर खेला है, गेंद हवा में, जावेद पठान पीछे, छह रन छक्का आखिरी गेंद पर। ओ पटेल, सलमान 89 रन बनाने होंगे जोनी स्ट्राइकर्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए। और तारीफ करनी होगी तौसीफ चाचा की, सोफिया आइलैंड के प्लेयर सलमान यहां पर आ चुके हैं ग्राउंड के ऊपर।
सोफिया इलेवन की कप्तान और अजमेर की कप्तान आ जाए टॉस के लिए। सोफिया इलेवन की कप्तान और अजलेर इलेवन के कप्तान यहाँ टॉस के लिए आ जाए भाई। और सलमान बता रहे हैं कि सोफिया के पूरे प्लेयर यहाँ पर कमेंटर बैक्स में आ जाए। हेलो, सोफिया इलेवन के पूरी टीम स्वागत करेंगे मेहमानों ने यहाँ पर। इम्तियाज भाई पटेल, रफीक भाई और इस्माइल भाई मैच निहारने के लिए आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। और ये बैठिए, आपके लिए सीट खाली है, कुर्सी चेयर खाली है, आपका स्वागत करते हैं, आ जाइए। अस्पाक आना पची ब्रेक बराबर। अजलेर कंस्ट्रक्शन के कप्तान खुबेब भाई से मेरा आदि जाना गुजारिश रहेगा, टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। खुबेब भाई चौलीस स्ट्राइकर्स अपने सलामी बल्लेबाजों को भेज दे। कौन है वो? बोलो नहीं सोफिया इलेवन के तमाम प्लेयर कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। सोफिया इलेवन के तमाम खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। अजलेर कंस्ट्रक्शन के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। सोफिया इलेवन के ऑलराउंडर जकरिया आते हुए उधर कुर्सी दे दे, वहाँ वहाँ लिमिटे के नीचे बैठना हो तो वहाँ कुर्सी भेज दे। कहीं जो से है इस्माइल अंकल नहीं बैसू तो कर दी आवाज सारू नहीं तो कुर्सी आवाज मुकलाई दी। संतोष नगर के आसिफ भाई का जो प्लास्टिक पे जो खेलते हैं मैच कहाँ पे सामने की ओर कल प्लास्टिक का डब्बा है, सब अपने घर से हाँ कल अपने घर से खुद डब्बे लेके आए। अपना नहीं अपना गाँव नहीं कब कल किसकी शादी? आसिफ भाई जो प्लास्टिक के बेसमैन है वो आज टेनिस देखने आए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है लेकिन फिर भी देखने आए हैं। अबे बॉल बॉल ज़्यादा कहीं रेसल आपने इस्तियाक बॉल पर ध्यान रख दे बराबर बता। हाँ लाओ अभी दे दो चल जूना ड्रोन से सलमान बॉल नो सलमान ले को बदलते हुए इस्तियाक नवा बॉल पासा लिया पहला नवा से लिया बॉल में एक बिया लिया अख्तर और सोफिया के अख्तर भाई काफी खुश लग रहे हैं। खुबेब भाई आ चुके हैं और खुबेब भाई कप्तान जाओ तो
બીજું કોઈ મહેમાન છે નહીં આવી ગયા ને કુબેર ભાઈ કોણ લઈ ગયું और नॉन स्ट्राइक पर पे ला भाई लाओ ने भाई पासो हां दोनों टीम को देने के 10 10 आप अजलेन सॉरी ये आपरे सोफिया ने 10 આપી દો આ 10 કોણ 10 લે ભાઈ 10 તમે એક પ્લેયર લઈ ગયો છે 11 11 હા અજલેન ને 10 ને સોફિયા ને 11 10 10 નહી નંબર નહી પી उनके समाज का काफी नाम रोशन करते हुए किया हुआ है और करते रहेंगे બ્રેક ના પાડીએ અમને આરામ આપી દઈએ તું એક નંબર નહીં જા કામી ને ફ્રન્ટ નંબર મૂકી દે લા કેમેરો દૂર છે વિરેન્દર સહેવાગ ये बल्लेबाजी सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं इस मैच में भारत ने टूर्नामेंट में 6 रन के लिए स्क्वायर लेग पर छक्का लगा दिया है हमारी कैंसिल दे दे बस बॉलर हमारी भेज दे सहबाज को आदम आदम ने तुम्हें तुम्हारी काली तुम्हारी एक छे ने बे थे और ये रन के लिए कितना के भेजा चलो तुमने अभी दे दो अरे कई टीम ने बाकी छापा ना મુબારક શકીલ પટેલ મિસ ફિલ્ડિંગ કા મુજાહરા કરતે હુએ ફિર એક બાર મુબારક કો લેફ્ટ હેન્ડ બેટ્સમેન ઓર યે કાફી લંબા લોનો લોંગ ઓન પર લોંગ ઓફ પર લગાયા હે છક્કા 6 રન કે લિયે અબ તક ઇસ ટૂર્નામેન્ટ મે સર્વાધિક છક્કે લગાને મે મુબારક પટેલ સબસે આગે મુજે લગતા હે યે કિ શાયદ 5 ओवर के अंदर मुबारक पटेल ने सोच लिया है कि जल्दी मैच खत्म कर दी जाए खत्म करना है मैच को ये इरादे से आए हैं सहबाज की अगली गेंद मुबारक को और ये एक रन मिड ऑफ की तरफ लगाते हुए क्यों टॉस दियो देना है टॉस અજમેરી ટોસ કરવાય અજમેરી ટોસ જાઓ ગયા તમે લાવ ઓ હે ને ઓ બાપ કોણ છે ભાઈ બાપુ જા બહુ બરા વિકેટ સુહેલ કે રૂપ મે સુહેલ કે રૂપ મે એક વિકેટ સહેબાજ ને લી હે લક્ષ્મણ જોર ઉમરકાલ કે ચાઉ યાહિયા અગર આપકે પાસ जकरिया जकरिया बीड़ी का क्यों पी रहे हैं जकरिया एनर्जी लेते हुए जकरिया चला गया एक और में 19 पहले ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन एक विकेट के नुकसान पर जॉली स्ट्राइकर्स
खराब गेंदबाजी सहवाग के द्वारा, मगर आखिरी गेंद पर इन्होंने सोहेल का विकेट चटकाया। कुछ हद तक वापसी कह सकते हैं। यहां से गेंदबाजों को थोड़ा संभल कर गेंदबाजी करनी होगी अगर आपको मैच जीतना है तो। मगर भाई मैन इन फॉर्म मुबारक पटेल, बहुत बड़ा मौका गवा दिया। और आने वाला मुकाबला अजलेर कंस्ट्रक्शन बनाम सोफिया इलेवन। सोफिया इलेवन के कप्तान अजमेरी बावा ने टॉस जीता है। ओ डॉक्टर साहब इसको डाला बोले मोहसिन बहुत अच्छी बॉलिंग डालता ना पसीना से। शकील दूसरी गेंद लेकर उठाकर खेला है, गेंद जा रही है सीमा के तरफ, खिलाड़ी मौजूद और अच्छा कैच, फिरोज मौजूद, बहुत बड़ा विकेट बाजी के रूप में, बाजी वापस लौटते हुए काफी नाराज मलिक छन फिरोज छन सुनहरा अवसर था फिरोज गैरेज। बेहतरीन कैच फिरोज के द्वारा, जितनी तारीख की जाए इतनी कम। विकेटों की तलाश तांदजा नाइट राइडर्स को, हल्का सा फंबल हुआ था पहले कैच के, एक मौका था मगर इस मौके को गवाया, मगर इस बार फिरोज ने किसी तरह की गलती नहीं की और बेहतरीन कैच, आज के दिन का एक खूबसूरत कैच फिरोज के नाम पर। और सोफिया इलेवन की सेना तैयार अजलेर कंस्ट्रक्शन के सामने। ये मैच के बाद 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, 15 से 20 मिनट का ब्रेक रहेगा। माफी चाहेंगे, मैच कंटिन्यू रहेगा, हम अंपायर को आराम दे देंगे एक मैच के लिए। एक इनिंग भी अभी कंटिन्यू जरूर रहेगा, इसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा। सलमान मीर नए बल्लेबाज, दो विकेट गवा चुकी है जोर स्ट्राइकर्स। अच्छी शुरुआत के बाद शकील पटेल, सलमान मीर गेंद हवा में और कैच, एक और कैच छोड़ दिया, यहां पर एक मौका था उस मौके को गवाया मोहसिन ने। आपको कैच लपकने होंगे अगर आपको जीतना है तो, क्योंकि सामने टीम है जॉली स्ट्राइकर्स। आपने देखा होगा पिछले मैच में किस तरह की फाइट इन्होंने दी थी, और निश्चित रूप से एक मौका गवा दिया और बेहतरीन गेंदबाजी शकील पटेल के द्वारा। रिवर्स स्वीप, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंद, शकील पटेल फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए, फील्डिंग की सजावट करते हुए खिलाड़ी को बाहर, और मिड ऑफ की खिलाड़ी को, ए भाई जाओ ना जाने का तो तुम्हारे लोगों के खिलाड़ी को मिड ऑफ पिलाते हुए, पटकी हुई गेंद पूरा फायदा उठाया 6 रनों के लिए, 90 मीटर का छक्का सलमान मीर के बल्ले से आता हुआ, खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे शकील,
मगर निशा से भटके उसका पूरा फायदा उठाया सलमान मीर ने। अगर आप कैच छोड़ दोगे तो फिर यही हाल देखना होगा। बेटर है कि फील्डिंग पे कंसंट्रेट किया जाए। आज काफी कैच ड्रॉप हुए हैं पूरे टूर्नामेंट में। ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन। नवाज भाई इंटरवल ब्रेक में आते हुए देखिए, आहा सीधे जॉब से आके आते हुए हाफ डे इन्होंने लिया है आज। शायद इनके बॉस अगर लाइव देखते होंगे तो इनकी खुशामत। फेसबुक पे मैं टैग कर दूंगा तुमको। अब गेंदबाजी के लिए साहिद। इस टीम में मैंने सुना है मोहसिन पटेल भी बहुत काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। लगता है शायद आने वाले ओवर में उनको देखने मिले। उनकी ओवर अफ्रीका में भी खेल चुके हैं या अफ्रीका में भी खेल चुके हैं मोइज भाई ने बोला। मोहसिन पटेल कमेंट्री बॉक्स में, मोइज भाई जहां पर भी यहां पर आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। मोइज भाई जहां पर भी हो यहां पर आ जाए कमेंट्री बॉक्स में, कमेंट्री करनी है उनको। नहीं अजमेरी बाबा बुला, अजमेरी बाबा बुलाते हैं, अजमेरी बाबा बुलाते हैं भाई। और ये चार मिडफील्ड मुबारक का ये चौका साहिद की गेंद पर मुबारक ने चौका लगा दिया। नाराज साहिद मिड विकेट की तरफ चार रन। हाँ बस अभी इनिंग ब्रेक आ जाने है बेटा। शाहिद की अपनी गेंद लेना बेटा, वो जदा कर ला करते हुए शाहिद। डैडी के डैडी के जाने का नहीं है ना, कहाँ जाता फिर एक बार तैयार शाहिद अपने लिए गेंद के लिए। मुबारक पटेल बैट, मुबारक बैट में। और ये एक और छक्का, पैर लेग पर छक्का, बहुत बड़ा हिट। ये शायद लंबा छक्का है इस टूर्नामेंट का अभी तक का। भाई आप लोग आ जाओ, अगर नहीं मिलता है तो आ जाओ। मिल गया हाथों को, थैंक यू। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में छक्का ये मुबारक का, बहुत बढ़िया छक्का लगाया मुबारक ने। हाईएस्ट छक्के टूर्नामेंट में, शायद हाईएस्ट छक्के हैं इस टूर्नामेंट में मुबारक के। साहिद फिर एक बार तैयार मुबारक के लिए। मुबारक अगली, और ये अरे एक रन। सलमान तैयार, साहिद आठ बजे ना उठता था।
अच्छी वापसी साहिद की। साहिद तैयार गेंदबाजी के लिए और गेंद हवा में, साहिद उसके पीछे, देखना होगा क्या लपक पाते हैं नहीं, मगर सेफली लैंडेड। सलमान बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुबारक पटेल और सलमान मीर पारी को आगे ले जाते हुए, स्कोर बढ़ता हुआ 38। तीसरा ओवर जारी, आखिरी गेंद इस ओवर की। आपको मुबारक का विकेट चटकाना होगा क्योंकि ये लंबे हिट लगाना जानते हैं बखूबी। अच्छा शॉट, खिलाड़ी पीछे मौजूद, कप्तान खुद एक रन से नहीं रोक पाएंगे। ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन, 39, और पानी लेकर जाते हुए अख्तर, क्योंकि एक ही ग्राउंड पे खेलते हैं और काफी साथ में क्रिकेट भी खेलते हैं, अच्छे दोस्त। मुबारक पटेल निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और सेवा देने के लिए कप्तान खुद भी आए हैं, कुछ मैसेज भी लेके आए हैं। तिलक राणा वे आज पता नहीं बच्चे ओवर में कौन है वो, 30 में 50, शकील 30 बॉल में 50, और अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर शकील पटेल, अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, 30 बॉल में 50 रन चाहिए, 30 गेंद में 50 रनों की जरूरत। शकील पटेल तैयार गेंदबाजी के लिए, मुबारक पटेल इन फॉर्म बल्लेबाज को, अच्छी गेंद, रोकना चाहते थे पैरों से मगर नहीं रोक पाए, पीछे साहिद मौजूद, स्ट्रेट ड्राइव, खूबसूरत शॉट मगर एक ही रन मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 40-40। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए टपिस फिलहाल सूरज की सरों पर सबके, आप देख सकते हैं दर्शक भी थोड़ा सा खामोश, और सोफिया 11 के खिलाड़ी अलग अलग जगहों पे खड़े हुए क्योंकि काफी डरते हैं अजमेरी बाबा से, एक बहुत चुस्त कप्तान। शकील पटेल तैयार, सलमान मीर को पटकी हुई गेंद और नतीजा 6 रन। अगर आप इस तरह की गेंद देंगे, सलमान माही देखना होगा। ओके ओके, काम डाउन, डेड बॉल, डेड बॉल रहेगा, गेंद टकराई हाई टेंशन वायर पर, हाई टेंशन वायर, डेड बॉल। और मैंने फिर से कहा आज सुबह से दो शकील और फिर ये सलमान, हाँ से न, और ये तीसरे बल्लेबाज है आज के। फुल टॉस गेंद, इस बार कोई हाई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ गेंदबाज को टेंशन, 6 रन। छियालीस रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 28 गेंदों में 43 रनों की जरूरत। अभी भी रन काफी चाहिए, अभी भी वापसी कर सकते हैं शकील पटेल की टीम, देखना होगा बगैर सलमान मीर को रोकना फिलहाल नामुमकिन। उठाकर खेला है गेंद हवा में, खुद पीछे और बड़ा विकेट फॉलो थ्रू में, वापस जाना होगा सलमान मीर को। अब देखना होगा बल्लेबाजी के लिए कौन आता है जोनी स्ट्राइकर्स की तरफ से, जिस विकेट की जरूरत थी। मंगाई लिया था विजय भाई, बद्रू कहां पर है, बद्रू हाजी को फोन लगाकर, और हाजी साहब को बोल के, हाजी साहब को बोल के पानी के कूलर मंगाए जाए, 10 कूलर। वहाँ नहीं है उसमें, उधर भी कम पड़े, पता भी नहीं है, तो सब जगह पे रखना पड़ेगा ना, गर्मी से लगा भाई लागे। अब बल्लेबाजी के लिए
बुम बुम पठान, तानल जाकी आन बान शान, पूरे हिंदुस्तान में छाए रहते हैं, लगातार टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं, नाइट के चैंपियन गब्बर खुद बल्लेबाजी के लिए आए हैं। दिन में थोड़ा कम देखते हैं मगर नाइट में इनको गेंद जो है फुटबॉल की तरह दिखती है। निसार बापू ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं और चमचमाती बाइक इन्होंने जीती। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला, सम्मान क्या बोले, वॉलीबॉल की तरह गेंद फेंक दी शकील ने, धूप का इफेक्ट, गर्मी। और मेरा दोस्त इश्तियाक कहां पर है? इश्तियाक, इश्तियाक जहां कहीं पे हो मेरे पास आ जाए। गर्मा गर्म खाना मंगाया गया है इश्तियाक के लिए ताज होटल से, स्पेशली कुछ दिन मेहमानों के लिए खाना मंगवाया गया है, होटल ताज से मंगवाया गया है। आज बुम बुम पठान 6 रन। अब जो भी खिलाड़ी गेंद को लेने जा रहा है उमूमन मगरिब के बाद सो जाएगा क्योंकि काफी दूर तक गेंद गई है। शारजा के स्टेडियम के बाहर कैसी जाती है देखिए, रोड पे गई है। 52 50 पूरे हो चुके हैं। ना तू आराम करने तरका में कारो पड़ी जैसे वहाँ होगा। गेंदबाजी के लिए कप्तान खुद आए हैं, कप्तान विकेट लेना चाहते हैं ये दोनों ही बल्लेबाजों की, इसी वजह से खुद जिम्मेदारी लेते हुए गेंदबाजी के लिए आए हैं वीरेंद्र सहवाज। 24 गेंदों में 37 रनों की जरूरत, 24 बॉल 37 रन रिक्वायर्ड। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था और आलोचना कर रहे थे चुपके चुपके मैच देखते हुए यूट्यूब पर और कोने में बैठकर छांव में, ऐसे ही मस्ती ने। ये तो मैंने तो तुम्हारी खबर जानी बाबा कितना बड़ा सेफ ने कितना बड़ा आया था फॉर्म निंदर। गेंद हवा में, कप्तान खुद गेंद के नीचे और ये बड़ा विकेट मुबारक पटेल के रूप में, मुबारक इस बार मुबारकबादी दी जाएगी वीरेंद्र सहवाज को। और खेमा काफी खुश, बाबा लेट डिसाइड 5 मिनट के बाद वजीफा के इधर है बॉलिंग बैटिंग ना तो बाबा अंपायरिंग कर लियो। और माइकल हसी की तरफ बल्लेबाजी करने वाले अशफाक पटेल आ चुके हैं मैदान में, चांदल जा किसान। और बच्चे मेहनत करते हुए खुशन हमारे आरिफ भाई रहे। और इनके साथ एक और सचिन का नाम मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह और सिद्दीक को अल्लाह बेहतरीन बदला दे। पानी पिलाना बहुत बड़ी बात। और हमारे इश्तियाक भाई देखिए आप, इसके बाद बड़ा मुकाबला, अजलेर कंस्ट्रक्शन बनाम सोफिया 11, टेनिस की एक और अच्छी टीम सोफिया 11। और इनके कप्तान
अजमेरी बावा। अब आए हैं पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी करने वाले मोहम्मद कैस। वीरेंद्र सहवाज तैयार गेंदबाजी के लिए, मोहम्मद कैस को पटकी हुई गेंद और नतीजा 6 रन। पटकी हुई गेंद और सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए फ्लैट 6। नहीं आता है तो आ जाओ भाई। मैंने लिया उसे तो ऊपर की होते। और तारीफ करनी होगी तांजलजा नाइट राइडर्स के खिलाड़ी की, जिन्होंने वापस बॉल ला कर दिया है। जाल पे अटक गया था खजूर की तरफ। बाईस गेंदे 30 रन। रनों का फासला गेंदों के फासले में कम होता हुआ फिलहाल। अच्छी गेंद मगर दिशा से बच के अंपायर का इशारा वाइड। काफी देर के बाद अतिरिक्त रन आया है, स्कोर बढ़ता हुआ 60-60। उठाकर खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, हवा में गेंद थोड़ी देर के लिए। फिरोज गेंद के पीछे आए थे मगर हाथों में गेंद आई नहीं। लीडिंग रन स्कोरर मुबारक पटेल। और भी मुकाबले होने बाकी है, कल भी पूरा दिन लीग मैचेस खेले जाएंगे, इसके बाद के सैटरडे भी लीग मैचेस खेले जाएंगे और उसके बाद जो संडे आएगा सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला होगा। देखना होगा कौन सी टीम चैंपियन बनती है तांजलजा प्रीमियर लीग के पहले एडिशन में। हल्के हाथों से खेला, मोहसिन पटेल मौजूद मगर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। या अल्लाह, इतने ज्यादा वजन वाले लोग ना आए स्टैंड में ताकि हमको तकलीफ हो। ए गलो नीचे ऊपर सहबाज मोहम्मद कैस को पटकी हुई गेंद, खिलाड़ी पीछे मौजूद, अच्छी फील्डिंग, इस बार 1 ही रन मिलेगा। अच्छा रन बनाए थे मगर गेंदबाजी में किसी भी गेंदबाज ने प्रभावित नहीं किया है अब तक। शकील ने पहली ओवर काफी अच्छी डाली थी मगर आखिरी कुछ गेंद खराब, नतीजा आपने देखा। सहबाज बुम बुम पठान को हल्के हाथों से खेला पॉइंट की तरफ, मोहसिन पटेल वहां पे मौजूद, रनआउट का मौका हो सकता है, हाथ में गेंद आई नहीं, पसीना पोंछना होगा, गेंद को पकड़नी होगी। आप ऐसे मौके गवा दोगे किस तरह से जीत पाओगे। मैं बार बार कहता हूं आप मेरी फील्डिंग देखो, हाईलाइट देखो। 64 झारखंड फिरोज भाई गेंदबाजी के लिए, फिरोज भाई को लाया गया है पहली बार। उठाकर खेला एक से बात पीछे मौजूद और 4 रन 1 बाउंस 4 मौका था। कच्ची लगी भाई, सही तरह से बल्ले पे आई नहीं मगर फिर भी देखिए दूर गई है। वहां के खड़े रहने वाले खिलाड़ियों की खुशामद आज मगरिब बाद फौरन खा कर सो जाएंगे। अजलेर कंस्ट्रक्शन के खिलाड़ी कोने में जाके मीटिंग करते हुए शायद छांव तलाश रहे हैं वहां पर। फिरोज फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए, बुम बुम पठान को पटकी हुई गेंद और ये कवर के ऊपर से छक्का, ओ बहुत बढ़िया शॉट, बुम बुम पठान, ओ माय गॉड। नहीं
माइंड वहाँ बॉल नहीं था। और जावेद पठान को चाहने वाले वहां से हॉर्न बजाकर इनकी तारीफ कर रहे तेजस पटेल। और एक और अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद और अच्छी फील्डिंग, इस बार एक ही रन मिलेगा। और बिल्कुल इशारा कर रहे हैं तेजस पटेल के जो छक्के लग रहे हैं, जो बॉल है वो विक्की ब्रांड, इसके स्पॉन्सर बीएस स्पोर्ट्स और तेजस पटेल और जॉली बॉयज की तरफ से। ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट, एक्सट्रीमली प्लेड सो वेल कैस मोहम्मद कैस। ये सारे खिलाड़ियों को मैं पहली बार देख रहा हूँ। जिया साहब, क्या आपने देखे हैं पहले? नहीं, मुझे भी ये पहली मरतबा देखने को मिले हैं। आप देख रहे हैं किस तरह का हुनर देखने मिल रहा है हमको, इससे एक अच्छी टीम बन सकती है आने वाले वक्त में। बेशक मैंने अभी तक जो मैच को देखा है, निहारा है, काफी अच्छे प्लेयर को देखा है मैंने यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे प्लेयर निकल कर सामने आए। और ये बहुत ही ऊंचा है, देखना होगा ये कैच होगा कि नहीं, और ये कैच आउट। कैच को वापस जाना, काफी लंबा छक्का मारना चाहते थे लेकिन सही तरह से बल्ले पर कलेक्ट नहीं हुआ, मायूस हुए और कैच आउट हुए। जावेद बारे कैच काले ना आवे नहीं, जब बुकिंग करके जाओ तो नहीं नथीला मैं जोयो कोई भी नथी नए बैट्समैन के रूप में अयान। 13 गेंद और 8 रन चाहिए, ये उनकी आखिरी गेंद है। कितना कराना होगा? 10 और मिड ऑफ की तरफ खेल दिया, 1 रन 7 रन 12 गेंदों में 7 रन चाहिए। देखना है अभी वो क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। बॉलर को काफी चुस्त बॉलिंग करनी पड़ेगी अगर इस मैच को अपनी तरफ लेना है, मैच को विन करना है। हमारे समझ के परे है मौसम बदल, क्यों गेंदबाजी नहीं दी गई? मुझे थोड़ा मैं हैरान हूँ कि मौसम पटेल अभी तक बॉलिंग में नहीं आए हैं, काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, मैंने उनका काफी अच्छा नाम सुना है। और ये शाहिद विक्टोरी शाहिद ये इस्तियाक में मंगाया था, ताज होटल थी, ताज होटल। कोई रन नहीं, शाहिद की अगली गेंद, एक बार तैयार और ये फिर एक बार बिट हुए। स्टंपिंग आउट, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए बॉल को, काफी फ्लाइट बॉल था। हाला भाई जैसे अरे बोने को नहीं आई, शू करी छू मैं, मारी छोकरी ने मंगाई नहीं आई। हाँ आवश्यक खरीद, अगर इसी तरह बॉलिंग करते रहे, विकेट लेते रहे और डॉट बॉल निकालते रहे तो शायद हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पठान वहाँ पर खड़े हैं, जावेद पठान वहाँ पर खड़े हैं, जब तक वो खड़े हैं मैच का रुख पलट सकते हैं। चार बजे पाँच
खावा जोते जाते बात नहीं जाए नए बैट्समैन के रूप में मोहम्मद वासिल शाहिद के अगली गेंद वासिल को राइट हैंड बैट और सम्मान दिया बॉल को काफी अच्छी गेंद डाली लेग ब्रेक किया शाहिद ने इस बॉल को और सम्मान दिया वासिल ने उसको बहुत अच्छी गेंद काफी इकबाल चाचा का स्वागत है इकबाल चाचा हमारे सीनियर इकबाल भाई का स्वागत है यहाँ पर आ जाए हमारे पास आइए आपके लिए चेयर खाली है बैठिए मैंने थोड़ी बुला दीजिए आ जाइए मैं तो खावा देता हूं कमेटी स्कोरिंग कौन पे कराई छो उनको बोले चेयर स्कोरिंग कराओ लड़के को बोले चेयर दे दे हां ए इधर इधर हां ठीक है रे बैठो बैठो इधर आ जा ये है आपका स्वागत है नाना बैठे बात से सका ठीक है सीनियर हैं उनको उनका सम्मान करना चाहिए मैच का मुजाहिरा लेते हुए इकबाल भाई यहां पर विराजमान और बहुत अच्छी गेंद शाहिद की जायद पठान बीट होते हुए ऑफसाइड की तरफ अपना शॉट लगाना चाहते थे छह बॉल में छह रन चाहिए छह गेंद के अंदर छह रन और मसवेरा वासिल और एजाज पठान गुफ्तगु करते हुए कुछ एक्स्ट्रा खाना खा लिया जब तक जायद पठान यहाँ पर मौजूद है ये काम करो आलोक खा रही दो बस मैच तुम और मुकिन जाए उनके हाथ में स्कोरिंग करा करो आरा लाइव में से दो अखिल दीवान जाने माने सौरभ स्कूल के अखिल दीवान बॉलिंग के लिए आए हैं बॉलिंग का भार संभालते हुए कॉन्फिडेंस लेके आए हैं छह बॉल में छह रन चाहिए देखते हैं क्या होता है आगे मोहम्मद वासिल उनके साथ क्या सलूक करते हैं तमाम टीम एक चीज का ध्यान रखे हर प्लेयर को लीग मैच में खेल लगाना जरूरी है तमाम टीम एक चीज का ध्यान रखे हर प्लेयर को लीग मैच में खेलना जरूरी है एक मैच खेलना जरूरी है हर प्लेयर बाकी आने वाली मैच में छह ओवर से मैच खेलनी पड़ेगी और ये ला क्या करता है ला सही नो बॉल अकील ने पहली गेंद वाइड नो बॉल ओके फ्री हिट है ये अपन टीम लेवानी से अपने और ये फिर से नो बॉल किया है उन्होंने मायूस लग रहे हैं कॉन्फिडेंस नहीं है वो कॉन्फिडेंस से आए तो थे लेकिन कप्तान ने उनको ये कर दिया सुहेल अपनी टीम तो ले बॉलर बल्ला इन्हें धन्यवाद इन्हें